न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन वालों सीजनल वर्करस, कंस्ट्रक्शन वर्करस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और रिफ्यूजियां वास्ते बॉर्डर खोलन दे ताजा ऐलान पिछों पोस्ट स्टडी वर्क वीजे वाले सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। उन्होंने समझ नहीं लग रही कि जसिंडा आर्डन वालों पंजाबी भाईचारे के आगुआ नाल मार्च महीने टाकानीनी गुरु घर विच कीता गया वादा क्यों नहीं निभाया जा रहा। इस संबंधी पंजाबी भाईचारे के आगुआ ने संकेत दिता है कि जे सरकार ने कोई लड़ पला ना फड़ाया तो न्यूजीलैंड सरकार नू वड्डे पद्धर ते प्रदर्शन का सामना भी करना पै सकता है। बरनाला तो दविंदर सिंह अते पंचकुला तो सोफिया पन्नू ने एनजेड पंजाबी न्यूज़ दे एडिटर अवतार सिंह टैणा नाल अपना दर्द सांझा करदे सवाल पूछा है कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजे वालियां बारे न्यूजीलैंड सरकार ने चुप क्यों बट्टी हुई है। हजे सरकार होर केड़ी प्रीख्या लेना चाहती है क्योंकि माइग्रेंट वर्कर तो पहला ही पिछले 14 महीने तो कई तरह दियां तंगियां झल रहे ने। दविंदर सिंह ने निराश मन नाल दस्या कि प्रधानमंत्री जसिंडा ने बीते सोमवार किए गए ऐलान दौरान पोस्ट स्टडी वर्क वीजे वालियां बारे कोई गल नहीं की थी। हालांकि मार्च महीने पंजाबी भाईचारे के आगुआ की मीटिंग तो आस बजी सी कि सरकार उन्हां बारे भी विचार करेगी। दविंदर सिंह ने दस्या कि पढ़ाई मुकम्मल करन पिछों कुछ समय लई पंजाब आउण दा प्रोग्राम बनाया सी पर पिछले 1.5 साल तो अपने घर बैठन करके उसके 3 साल वाले पोस्ट स्टडी वर्क वीजे की म्याद अद्धी रह गई है। हालांकि उसने वर्क वीजे दौरान काम करके अपने फीस के खर्च जो कि पैसे मापिया नूं वापस करने सन। दविंदर ने दस्या कि होर भी बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर अजिहे ही हालातों का सामना कर रहे ने जिन्हां दे मन विच वार वार यही सवाल आ रहा है कि पोस्ट स्टडी वीजे वालियां दा दुख सरकार नूं क्यों नहीं समझ आ रहा। पंचकुला तो सोफिया पन्नू दा भी यही रोस है कि सरकार नवे सीजनल वर्कर्स नूं तां सद्दे दे रही है पर लखां रुपये न्यूजीलैंड की झोली पाउण वाले पोस्ट स्टडी वर्क वीजे वालियां नूं अखों ओले क्यों किया जा रहा है। कि सरकार इस गल की उड़ीक कर रही है कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजे वाला कोई जानी नुकसान कर लवे अते उस तो बाद ही जागेगी। उसने ये भी सवाल किया कि पंजाबी भाईचारा तो अपने पद्धर से माइग्रेंट्स के हक में कुछ ना कुछ आवाज़ उठा रहे पर भारतीय मूल के बाकी लोग चुप क्यों ने। सोफिया ने समुचे भाईचारे को अपील की है कि एकजुट होकर न्यूजीलैंड सरकार से दबाव बनाया जाना चाहिए है ता जो विदेशों में फंसे बैठे माइग्रेंट वर्कर सुख का साह आ सके। माइग्रेंट्स दीयां मंगां नूं लै के 21 मार्च नूं गुरुद्वारा श्री कलकीधर साहिब टाकानीनी विच प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन नाल पंजाबी भाईचारे तरफों वफद विच शामिल होण वाले सुप्रीम सिख सोसाइटी आफ न्यूजीलैंड दे बुलारे भाई दलजीत सिंह ने मौजूदा हालात ते प्रतिक्रम दिंदिया कहा है कि जेकर सरकार ने माइग्रेंट्स बारे कोई फैसला ना लिया तो भारतीय भाईचारे नूं सरकार खिलाफ वड्डे पद्धर ते प्रदर्शन करन लई मजबूर होना पवेगा। उन्होंने कहा कि यह गल सारे लोग समझ रहे हैं कि इंडिया के हालात नाजुक होने करके फिलहाल न्यूजीलैंड सरकार से दबाव बनाना ठीक नहीं है पर जदों ही इंडिया के हालात काबू में आ गए तो माइग्रेंट्स के हक में वड्डा प्रदर्शन करने की व्यौतबंदी करेंगे। इसी तरह कैंटरबरी पंजाबी फाउंडेशन के प्रधान नरेंद्र सिंह वड़ैच का भी कहना है कि प्रधानमंत्री दफ्तर नाल लगातार तालमेल रखा जा रहा है। सरकार वाले पासों जो भी कोई नवी जानकारी मिली तो पंजाबी भाईचारे को तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। इस नाल ही वो कामना करते हैं कि भारत में कोरोना हालात छेती ही काबू में आ जाए ता जो माइग्रेंट भाईचारे की पैरवी होर भी डटवे ढंग नाल की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनजेड पंजाबी न्यूज़।